आपको बताएंगे, पिशावर हाई कोर्ट ने अमीर मकाम की कंपनी के खिलाफ FIA की तमाम सिफारिशात को मुअत्तल करा दिया। इस बारे में तफसीलात बता रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान अली। जी कामरान अली, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए जी, बिशाम अलपुरी रोड प्रोजेक्ट में अमीर मकाम की कंपनी की जांच से मुबैना करप्शन पर FIA ने कार्रवाई करके अमीर मकाम के बेटे इश्तियाक अहमद को गिरफ्तार किया था। ताहम बाद में अदालती अहकाम पर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन उसके बाद FIA ने NHA को एक खत लिखा था जिसमें सिफारिश की गई थी कि अमीर मकाम की कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए। ताहम इसी के खिलाफ अमीर मकाम के बेटे ने पिशावर हाई कोर्ट से रजू किया था और इन अहकाम को और सिफारिशात को चैलेंज किया गया था। अमीर मकाम के वकील की जानिब से पिशावर हाई कोर्ट को बताया गया कि ये जो कार्रवाई है इंतकामी कार्रवाई है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और पिशावर हाई कोर्ट के जस्टिस रोहल अमीन और जस्टिस मोहम्मद नईम अनवर ने केस की समाप्त की और उन्होंने FIA की सिफारिशात को मातम करके NHA को तमाम कार्रवाइयों से रोक दिया और परिसंघ से जवाब तलब कर दिया। बहुत शुक्रिया कामरान अली, तफसील से बता रहे थे।